गोवा में चारों ओर रौनक है, लोगों को इंतजार है नए साल का और इस इंतजार के बीच मस्ती और जोश अपने शबाब पर है। लोग खिली धूप में बीचेस पर मस्ती करते हैं और फिर संगीत भरी शाम का आनंद लेते हैं। आइए चलते हैं गोवा की सैर पर। ये गोवा है, बीचेस भरे हुए हैं और देसी विदेशी पर्यटक खिली धूप का आनंद ले रहे हैं। पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स का दौर चल रहा है। क्रिसमस के बाद अब बारी है न्यू ईयर की, तो महफिलें भी रोशन थी। विदेशी पर्यटकों को तो गोवा खासा रास आ रहा है। गोवा इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एनीबडी कैन कम ओवर हियर, डू इट, इट्स द बेस्ट प्लेस टू बी इन द वर्ल्ड। एंजॉय करने में भारतीय भी पीछे नहीं। दिल्ली सहित उत्तरी भारत के कई शहरों से पर्यटक यहाँ पहुँचे हैं और गोवा के हसीन माहौल को और रंगीन बना रहे हैं। मुझे क्रिसमस में यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं क्रिसमस के लिए आया था, लेकिन अब मैं यहाँ न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करूँगा। दिल्ली में कपकपाती ठंड से बहुत यहाँ राहत मिल रही है। यहाँ बीच भरे हुए हैं, बाजार भी सजे हुए हैं, मौसम गर्मी है लेकिन बीच पे आके वो गर्मी दूर हो जाती है। यूँ तो राजनीतिक उठापटक और सैलानियों को मिल रही धमकियों के चलते इस साल गोवा के बीचेस के सुनसान रहने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन मस्ती के दीवाने इन जिंदा दिल लोगों को इस सबसे क्या वास्ता। साल 2008 के स्वागत के लिए गोवा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ के आधा दर्जन से ज्यादा बीच पर जहाँ देश और विदेश से आए सैलानियों का सैलाब दिखाई देता है, वहीं दिल्ली की सर्दी के सताए लोगों की संख्या भी कुछ कम दिखाई नहीं देती। होटल खचाखच भरे हैं, बाजार सजे हुए हैं, हर कोई तैयार है नए साल की मस्ती में डूब जाने के लिए। योगराज शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, गोवा। और रिटर्न ऑफ हनुमान के साथ कई यूएसपीज हैं और ये पहली इंडियन एनिमेटेड फिल्म होगी जिसे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाएगा और कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही खबर ये भी है कि इसके इंग्लिश वर्जन के लिए डबिंग के लिए अपनी आवाज देंगे नन अदर देन